नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नए वीडियो में। और आप लोगों को जैसे पता है कि मैं अपने स्प्लेंडर को पिछले लास्ट दो वीडियो में देख चुके होंगे कि मैं अपने स्प्लेंडर को जो है बेच चुका हूँ, सेल आउट कर चुका हूँ और एक नई गाड़ी लिया हूँ जो कि है ये आपकी रॉयल इनफील्ड एलेक्ट्रा बुलेट 350। तो बात करते हैं हम लोग इस रॉयल इनफील्ड के बारे में। तो सबका ख्वाहिश रहता है भाई, जितने भी बाइकर रहते हैं और बचपन से लोग देखे रहते हैं अलग अलग गाड़ियों को, तो सबका मन रहता है बचपन में कि एक बार बुलेट राइड करने का। और किसी किसी दोस्त लोग के पास रहता भी है तो उन लोग क्या करते हैं, अपने फ्रेंड लोग को शेयर नहीं करते, देते नहीं हैं, क्योंकि वो बहुत हैवी बाइक है और इसको मन में डर रहता है सबके पर्सनल बाइक पर कि भाई गिरा देगा तो, टूट जाएगा तो कौन बनवाएगा ऐसे ऐसे, और पर्सनल अटैचमेंट हो जाता है। तो मैं कभी लाइफ में हो सके एक दो बार बुलेट चलाया हूँ, बट कभी बुलेट राइड नहीं किया था और मुझे बहुत मन था बुलेट चलाने का। और कई बार ट्रैवल करते टाइम क्या होता है ना, स्प्लेंडर से 100 CC गाड़ियों में आपको ऐसा फील होता है कि नहीं यार एक गियर और आना चाहिए था, और थोड़ा सा ज़्यादा लाइट वेट रहता है और अपने हैवी बॉडी रहने पे या फिर ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी, आदमी हाइपर एक्टिव रहता है तो उसको कुछ थोड़ा ज़्यादा स्पीड बाइक चाहिए रहता है। तो मेरे को चाहिए था, तो ये KTM से अच्छा मेरे को लगा कि ये रॉयल इनफील्ड, क्योंकि बचपन से सब देखे रहते हैं बुलेट क्या चीज़ है और सब बुलेट को मानते भी हैं भाई, क्योंकि चीज़ बेहतरीन है, दमदार है और हैवी है। तो ये बुलेट जो है, हम लोग इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसका हिस्ट्री क्या है। तो जो इंडियन आर्मी है फर्स्ट अपना, ये तो ऐसे बना था 1901 में रॉयल इनफील्ड बना था, और आज़ादी के बाद 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि अब बॉर्डर के पेट्रोलिंग के लिए अपने को एक गाड़ी चाहिए। तो साइकिल में तो उस टाइम कर नहीं सकते हैं पेट्रोलिंग, क्योंकि बॉर्डर जो बॉर्डर एरिया था वो थोड़ा सा लंबा था, बड़ा था, एरिया को जो है पेट्रोलिंग करने के लिए गवर्नमेंट सोचा कि हम क्यों ना बाइक का ऑर्डर किसी को दें, बाइक चाहिए अपने को, थोड़ा हैवी रहना चाहिए। तो बाइक वो क्या किए, रॉयल को ठेका दे दिए कि अपने को 800 यूनिट जो है बुलेट चाहिए वो अपने को बॉर्डर पर अपने को पेट्रोलिंग करने के लिए। तो रॉयल इनफील्ड क्या की, चेन्नई के मद्रास के एक कंपनी है जो उससे टाई अप की और वहाँ से सामान को भिजवा के यहाँ पर असेंबल की इंडिया में, उसके बाद 800 यूनिट जो है इंडियन गवर्नमेंट को दी। उसके बाद से जो इंडियन गवर्नमेंट जो है लॉयल, एक तो क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं आप लॉयल हो गई बुलेट के लिए, क्योंकि बुलेट जो ऐसी बाइक इंडिया में और कहीं भी नहीं बनी है भाई, बोल सकते इससे दूसरे से कंपेयर किया ही नहीं जा सकता, कितनी भी नई नई बाइक आ जाएँ पर रॉयल इनफील्ड का जो ऑरा है ना वो कभी कम नहीं हो सकता है। तो यही है, फिर उसके बाद तो क्या बोलते हैं 1955, 1992 और 1964 से जो है इंडिया में ही सब सामान जो है इसका मतलब प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग होने लगा। बीच में इसका थोड़ा सा आया था कि इसका दौर की क्या बोलते हैं ये थोड़ा सा चलना बंद हो गया था, बट इसके जो मालिक हैं वो फिर टूरिंग वूरिंग करके लद्दाख वद्दाख का और इसका प्रमोशन करके और इसके बारे में जान के कि इसमें और क्या हम ऐड कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, तो उसके बाद फिर क्या है अपना पब्लिसिटी करके और इसमें कुछ एक्स्ट्रा मतलब आने वाले जनरेशन के हिसाब से सोच के इसमें और कुछ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जोड़ के फिर इस बाइक को और रीलॉन्च किया गया, कई बार रीलॉन्च किए और जनरेशन के हिसाब से फिर अभी कॉन्टिनेंटल GT और मेट्योर ये सब मतलब अकॉर्डिंग टू आप बोल सकते हैं कि जनरेशन के हिसाब से नई नई बाइक जो लॉन्च होते गए। अब इसी बाइक को तो हमेशा कंटिन्यू चला नहीं सकते, पर लोगों की क्या पसंद है ना, रॉयल इनफील्ड का जो स्टैंडर्ड मॉडल होता है वो सबसे बेस्ट मॉडल होता है और सबसे हैवी मॉडल होता है। और उसके बाद जो अभी जो ढाई लाख और समथिंग कहीं कहीं तो 3 लाख तक पहुंच जा रही है उसके रेट जो है, वो मैं बाइक राइड करके देखा वो बहुत ही ज़्यादा हल्का है ये स्टैंडर्ड के मुकाबले। कर लेते देखो भाई इसके फीचर्स के बारे में, तो ये जो है आपका चाबी डालने के बाद हम लोग जब इसको चालू करना है, फर्स्ट स्टार्ट करना रहता है, कोल्ड स्टार्ट करना पड़ता है, तो इसको ऑन करने के बाद फिर इसको अपन ये अपना किल स्विच है, इसको ऑन किए तो यहाँ से एक साउंड होगा, जब साउंड बंद हो जाएगा तो आप अगर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हो तो आप ये किक से स्टार्ट करना चाहिए अपने को, किक से स्टार्ट करके 2-3 बार पहले ऐसी नॉर्मल किक लगा के धीरे से फिर एक बार प्रेशर से जोर से किक मार के स्टार्ट करते रहते हैं इसको, और एक्सीलेटर नहीं देना है इसमें। और अगर इसको ऐसे कर रहे हैं तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, क्लच को दबा के फिर इसको दबा के रखना है जब तक ये 5-10 सेकेंड बाद ये ऑन नहीं हो जाता है, तुरंत ऑन नहीं होता, कई लोग सोचते हैं कि तुरंत ऑन हो जाता है, मैं ऑन कर रहा हूँ नहीं होगा, ये जब तक क्लच नहीं दबाऊंगा तब तक ऑन नहीं होगा। और ये मैं स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए लगा के रखा हूँ ताकि स्क्रीन पे जो है ना ये स्पीडोमीटर पे स्क्रैच ना आ जाए, तो प्रोटेक्शन लगा के रखा हूँ उसके ऊपर में। और ये है आपका बोलते हैं MIL, ये होता है आपका माल फंक्शनल इंडिकेटर लैंप,
ये है ABS, इसमें लिखा हुआ है ABS फंक्शन है, मतलब ये एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। ABS का मतलब होता है एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम, और ये जो है इंडिकेट करता है आपका, अगर जैसे गाड़ी चालू हुआ और रन करना चालू हुआ उसके बाद आप अगर ये ब्लिंक बंद नहीं होता है, कंटिन्यू ब्लिंक करते रहता है, जैसे ये दिख रहा होगा इसमें कंटिन्यू ब्लिंक करते रहता है ये अगर, तो समझ जाओ इसमें कुछ प्रॉब्लम है और इसको तुरंत तुरंत अपने को एजेंसी लेके जाना है इसको चेक करवाने के लिए, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है करके। और इसमें पता है बुलेट में तो देता नहीं है इंडिकेटर, आजकल देने लगा कुछ कुछ बुलेट्स में कि फ्यूल इंडिकेटर देता है, पर इसमें क्या है ना 4 लीटर जब अगर गाड़ी में 4 लीटर है तो यहाँ का पेट्रोल वाला साइन है, सिग्नेचर है, वो जो है बार बार ब्लिंक करने लगा जब इसमें 4 लीटर पेट्रोल बचा रहेगा। और ये बात हो गया इसका, और स्पीडोमीटर तो आप लोगों को पता ही है किल स्विच। और इसका जो है इंजन पहले क्या था, कार्बोरेटर जो पहले गाड़ी में रहता था वो कार्बोरेटर आता था, और इसमें क्या आ गया है ये EFI इंजन आ गया है, यहाँ पर लिखा है EFI 350। तो ये इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्टर, तो ये क्या होता है ना जो आपका पेट्रोल के साथ में ना एयर को मिक्स करके जब इंजन भेजता है तो वो पहले कार्बोरेटर के थ्रू होता था, अब ये इलेक्ट्रॉनिकली होता है। मतलब ये किसी किसी जैसे गर्मी और ठंडी सीज़न में क्या होता है ना गाड़ी बंद चालू होती है, तो EFI इंजन होता है उसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर आपकी गाड़ी एक्चुअल में गाड़ी में जो है ना किक होना चाहिए, आजकल के गाड़ियों में जो है किक हटा दे रहा है, उससे क्या होता है बाद में अगर बैटरी, मान लो किसी गाड़ी बैटरी डाउन है तो गाड़ी चालू कर ही नहीं सकता है। गुलाब कोशिश कर ले जब तक वो बैटरी नया डलवाएगा नहीं तब तक गाड़ी चालू नहीं कर सकता है। और इसमें क्या क्या फंक्शन है यार, मैं आपको क्या क्या बताऊँ, बहुत सारा फंक्शन वो है, हैवी बाइक है, और यहाँ पे दिया हुआ ये बैटरी का है, इसमें मैं अभी एमरॉन का बैटरी लगवाया हूँ। ये कुछ आपका इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स है, टूल बॉक्स समथिंग, ये भी है टूल बॉक्स है मेरे ख्याल से, हाँ ये टूल बॉक्स भी है, फर्स्ट एड किट है और इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स भी है ये साथ में। इसको पन्नी को ना अंदर कर देते हैं, बाहर निकल गया है, इसको लॉक कर देते हैं, लॉक हो गया। और एक है यहाँ पर आपका, यहाँ पर लगता है फिल्टर, फिल्टर भी दिखा देते हैं, गाड़ी का फिल्टर जो है ये आपका हर सर्विसिंग में चेंज होता है, एयर फिल्टर है ये आपका हर सर्विसिंग में चेंज होता है। जब मेरे पास गाड़ी नहीं थी ना, तो जब मेरे पास गाड़ी नहीं थी तब मैं सोचता था कि ये वाला मेरे को बॉक्स रहेगा तो मैं इसमें अपना कहीं भी जाओ तो मोबाइल वोबाइल रखने के लिए काम आएगा, सोचता था मैं ऐसा कि ये बॉक्स में कुछ होता नहीं होगा। बट जब गाड़ी लिया तो समझ में आया कि इसमें मतलब इसमें पर्पस का चीज़ है भाई, पहले से ऑलरेडी बॉक्स जो है बिजी है तो बैग रखना पड़ेगा। और एक बैग लगवाया था ये आपको, इधर आने जाने में कंफर्टेबल रहता है। और इसका जो साइलेंसर वो स्टॉक है, कम से कम मैं इसको तो अभी रहने दूंगा, स्टॉक साइलेंसर है इसका, इसमें जो है नॉइस पोल्यूशन नहीं होता है, नॉर्मल आपका क्या बोलते हैं वो है, नॉइस पोल्यूशन नहीं करता है, नॉर्मल आपका साइलेंसर है जो कंपनी से लग के आता है, तो इसको छेड़छाड़ नहीं करना है अपने को, इसमें और कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत ही नहीं है अपने को, मतलब बेस्ट है अपने में। और इसका क्या है, ये जो आपका चैन है इसको बीच बीच में हर 500 किलोमीटर में ना आपका इसको ल्यूब करना पड़ता है, और इसको WD-40 से जंग वंग मत लगे, रश मत लगे ठंडी के टाइम में, सॉरी बरसात के टाइम में, इसलिए इसको बार बार प्रॉपर इसका चैन पे केयर करना पड़ता है। तो यार कई लोगों को पता नहीं कि ABS सिस्टम होता क्या है, ABS सिस्टम होता ये है एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। तो जब हम गाड़ी भगाते हैं स्पीड से, जब हैवी बाइक रहती है तो क्या होती है, कंट्रोल नहीं होती, जब हम लोग सामने का फ्रंट ब्रेक लगाएंगे ना तो उस टाइम पे गाड़ी जो है स्किट होकर रोड पे गिरने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। इसलिए जब गाड़ियों में ना क्या कि आजकल महंगी महंगी गाड़ियों और बड़ी बड़ी गाड़ियों में ना एंटी ब्रेक सिस्टम लगा दिया गया है, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम लगा दिया गया है, ताकि गाड़ी जो है प्रॉपरली रुके, ब्रेक को ये भी नहीं झट से मारना है अपने को, लगाना जोर से लगाना नहीं है, दोनों को पीछे का भी ब्रेक को और सामने का ब्रेक को धीरे धीरे एक साथ लगाएंगे तो गाड़ी जो है स्टेबल होकर धीरे धीरे स्लो होकर गाड़ी रुक जाएगी। लंबा लंबा टूर जाना है, घूमना फिरना है, तो आज के वीडियो को यहीं पेंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय टाटा, टेक केयर, सी यू ऑल इन नेक्स्ट ब्लॉग। अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो।